हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर की इनपुट डिवाइस होती है जिसकी टीवी है ना, जो टीवी के जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को शो करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स भी कहा जाता है। मॉनिटर तीन प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और इसके बाद होता है कलर मॉनिटर। तो फर्स्ट है हमारा मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर क्या है? आपको पता है मोनोक्रोम दो वर्ड से मिलकर बना है। मोनो मतलब उसका मतलब होता है एकल, और क्रोम का मतलब होता है रंग, जो कि एक ही कलर को शो करता है उसे क्या बोलते हैं हम, मोनोक्रोम मॉनिटर। इसके बाद है ग्रे स्केल मॉनिटर। ग्रे स्केल मॉनिटर में क्या होता है, जो डिस्प्ले होती है वो ग्रे शेड में शो होती है। कलर मॉनिटर में जो कलर मॉनिटर होता है वो RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू है ना, विकिरणों के द्वारा क्या करती है, हमें आउटपुट को शो करती है। इसके बाद है मॉनिटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर चार प्रकार के होते हैं, CRT मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर, LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर। फर्स्ट है हमारा CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर क्या होता है? CRT मॉनिटर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कैथोड रे ट्यूब होती है, जो जिसमें जनरली पिक्चर्स ट्यूब कहते हैं। इसमें हम पिक्चर्स ले सकते हैं, है ना, ये कहलाती है आपकी CRT मॉनिटर। इसके बाद है LCD, LCD लिक्विड क्लस्टर डिस्प्ले। CRT मॉनिटर बिल्कुल टेलीविज़न मतलब टीवी की तरह ही दिखाई देता है या तो उसके जैसा ही शो करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ मॉनिटर ने भी कई रूप बदले हैं। जैसे आज CRT मॉनिटर के बदले LCD आ गया। आपको पता है CRT मॉनिटर का साइज़ बहुत बड़ा होता था, ऐसे LCD का साइज़ कहता होता है बहुत छोटा होता है ना। और साइज़ छोटा होने के साथ में ये दिखते कैसे है, बहुत ही आकर्षक दिखते हैं। इसका यूज़ हम लैपटॉप जो हमारा होता है वो भी छोटी स्क्रीन का होता है, उसे भी हम CRT मॉनिटर कह सकते हैं। ठीक है, परंतु इसकी जो स्क्रीन होती है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है फ्लैट पैनल मॉनिटर। CRT तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित की गई है कि जिसमें केमिकल व गैस को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है। यह बहुत ही पतली स्क्रीन होती है, फ्लैट पैनल वजन में हल्की होती है तथा बिजली खपत भी क्या होती है इसमें, कम होती है। नेक्स्ट है LED लिक्विड इमिटेरी डायोड है ना। ये क्या होता है, आज आपको बाजार में क्या हो रहा है, बाजार में बहुत सारे नए नए मॉनिटर मिल रहे हैं, फ्लैट भी मिल रहा है, थोड़ा सा घुमावदार भी मिल रही है डिस्प्ले है ना। तो ये क्या हो रही है हमारे यहाँ, अलग अलग प्रकार की मार्केटिंग हो रही है, किसको लेकर, कंप्यूटर को या मॉनिटर्स को लेकर। इसमें आपको LED, CRT है ना, LCD की तुलना में क्या करते हैं, बिजली की खपत इसमें कम होती है और बिजली का यूज़ भी कैसा होता है ये कम करते हैं, और इनमें पर्यावरण के अनुकूल इनको माना जाता है। मॉनिटर के लक्षण, ठीक है, किसी भी प्रकार के मॉनिटर के अंदर कुछ ना कुछ खास लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उन्हें उनके गुणवत्ता को परखा जाता है। जैसे फर्स्ट है हमारा रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन क्या है, तो रिसोल्यूशन वह स्क्रीन के लिए चित्र, स्क्रीन पिक्चर है ना, शेपनेस आदि को स्पष्ट करता है। इसमें अधिकतर क्या होती है, जो डिस्प्ले होती है उसमें इमेज स्क्रीन के छोटे छोटे डॉट्स के रूप में क्या बनते हैं, चमकने से बनते हैं। स्क्रीन पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, पिक्सल बोलते हैं। ये जो पिक्सल होते हैं ये जितना दूर दूर होते हैं स्क्रीन उतनी ही कैसी दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है, और जितने पास होते हैं स्क्रीन वैसी ही धुंधली टाइप्स की वो दिखाई देती है। रिफ्रेश रेट सेकेंड है। ये मॉनिटर में लगातार कार्य करता रहता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेज दाएं से बाएं ऊपर से नीचे है ना मिटती है और बनती जाती है। ठीक है, मॉनिटर जो होता है उसको बार बार यूज़ करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसे रिफ्रेश करना चाहिए, जिससे क्या होता है मॉनिटर में रिफ्रेश हर्ट को मापा जाता है। रिफ्रेश रेट से क्या होता है कि मॉनिटर में रिफ्रेश रेट को हर्ट्स में मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा डॉट पेज। डॉट पेज एक प्रकार की मापन टेक्नोलॉजी है, जो यह शो करती है कि दो पिक्सल के मध्य हॉरिजॉन्टल अंतर या दूरी कितनी होगी। इसका जो मापन होता है वो मिलीमीटर में किया जाता है। यह मॉनिटर की गुणवत्ता को क्या करती है, शो करती है।
नेक्स्ट है इंटरलैकिंग एंड नॉन इंटरलैकिंग। यह एक डिस्प्ले तकनीकी है जो कि मॉनिटर में रिजोल्यूशन की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इंटरलैकिंग जो मॉनिटर होता है वो एक समय में केवल एक आधी लाइन को ही रिफ्रेश करता है, और नॉन जो मॉनिटर होता है वो प्रत्येक रिफ्रेश साइकिल में दो से अधिक लाइनों को प्रदर्शित कर सकता है। बिट मैपिंग, पहले जो मॉनिटर का यूज़ किया जाता था उसमें केवल टेक्स्ट को ही डिस्प्ले किया जाता था और पिक्सल की संख्या सीमित होती थी, जिसमें टेक्स्ट का निर्माण किया गया है ना, ग्राफिक्स विकसित किए करने के लिए टेक्निक का यूज़ किया गया, और टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को शो करने के लिए बिट मैपिंग का यूज़ किया गया। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर आप सभी को पता है कि प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फर्स्ट है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे टाइपराइटर वाली प्रिंटिंग। ठीक है, यह विधि टाइपराइटर के विधि के समान ही होती है। इसमें धातु का एक क्या लगा होता है, हैमर लगा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंट हेड बोलते हैं, जो कागज पर रिबिन से टकराता है। और इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या लेटर, ठोस मुद्राओं, सॉलिड फॉन्ट, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, सॉलिड फॉन्ट डॉट मैट्रिक मैथड्स के द्वारा कागज पर उभरते हैं। ठीक, इसके अंदर भी बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, है ना। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर ये होता है जब इस पर काम किया जाता है तो ये बहुत जोर से आवाज़ करता है। ठीक है, बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट में प्रिंट हेड की अनेक पिंस लगी होती हैं, है ना, और एक मैट्रिक्स होता है। प्रत्येक पिन के रिबिन और कागज पर स्पर्श डॉट छपता जाता है और इन डॉट को मिलाकर एक कैरेक्टर बनता जाता है। ठीक है, इसमें पिन जो होती है 7, 9, 14, 18, 24 को ऊर्ध्वाधर समूह हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। जैसे ही इन पिन से कागज निकलता है तो जो अपना मैटर कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, पेपर पर प्रिंट हो जाता है। ये देखिए, इस प्रकार से डॉट मैट्रिक प्रिंटर का डायग्राम है। नेक्स्ट है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील का मतलब होता है खिला हुआ फूल। ये जो प्रिंटर होता है इसका आकार या ये प्रिंटर जो होता है वो एक खिले हुए फूल के समान दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रिंट हेड की आकृति पुष्प गुल बाहर डेजी से मिलती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसकी गति धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, इसलिए इसका यूज लेटर आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर। यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बड़े बड़े कंप्यूटरों के लिए, है ना, प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में केवल एक लाइन को छापने की बजाय एक लाइन जो स्पष्ट रूप से एक बार में एक ही लाइन को छाप सकता है। इसकी छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। ये प्रिंटर मिनी व मेनफ्रेम कंप्यूटर में बड़े बड़े कार्य करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। फर्स्ट है हमारा ड्रम प्रिंटर। देखिए, आपको ये दिख रहा है ड्रम, इस प्रकार से ये क्या होता है, ड्रम बना होता है। ये तेज़ी से घूमता है। ठीक है, ये ड्रम जो होता है वो तेज़ी से घूमता है। इसकी सतह पर अक्षर कैरेक्टर उभरे होते हैं, है ना, एक और ये एक बैंड के समान होता है। इस बैंड पर अक्षरों का एक सेट बना होता है। इसके बाद एक चेन प्रिंटर, ये देख रहे हैं आप, साइकिल की चेन होती है वो मूव करती है ना ऊपर नीचे, सेम उसी टाइप का होता है ये। तो इस प्रिंटर में तेजी से घूमने वाली एक चेन होती है जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। चेन पे क्या होता है, कैरेक्टर छपे होते हैं और प्रत्येक लिंक में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। ठीक है, इसकी पोजीशन और हैमर लगे होते हैं जिसमें हैमर कागज पर टकराकर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं। देखिए, इस टाइप से दिख रहा है आपको, इस टाइप से क्या होते हैं, ये मूव करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर क्या होता है, ये प्रिंटर जो होते हैं वो चेन प्रिंटर के समान ही कार्य करता है। इसमें
नेक्स्ट है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? ये प्रिंटर में प्रिंट है या कागज पेपर के मध्य नहीं होता। ठीक है, जो हमारा प्रिंटेड होता है वो पेपर के मध्य नहीं होता। इसमें जो प्रिंटिंग होती है वो लेज़र प्रिंटिंग द्वारा, तकनीक के द्वारा इसमें प्रिंटिंग की जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अधिक विधियाँ हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शन प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। तो फर्स्ट है हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, लेकिन लेज़र प्रिंटर का यूज़ कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक से हो रहा है। ठीक है, पहले से मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज़ किए जाते थे। ये जो कंप्यूटर थे लेज़र प्रिंटर, वो कहाँ यूज़ किए जाते थे? पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज़ किए जाते थे। 1980 के दशक में लेज़र प्रिंटर का मूल्य लगभग $3,000 था। ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय है क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेज व उच्च क्वालिटी के टेक्स्ट व ग्राफिक्स को प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, लेज़र प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर रेम व रोम का यूज़ किया जाता है। यह प्रिंटर भी डॉट्स के द्वारा ही कागज पर प्रिंट किए जाते हैं, परंतु ये डॉट्स बहुत ही छोटे व पास पास होने के कारण स्पष्ट प्रिंट होते हैं। इस प्रिंटर में कॉटेज का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर सूखी स्याही मतलब इंक पाउडर भर दिया जाता है और लेज़र प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन के समान ही होती है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर 300 से लेकर 600 DPI डॉट पर इंच तक या इससे भी अधिक रिजोल्यूशंस की छपाई कर सकता है, जिसमें विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध होते हैं। यह प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनके छपने गति कैसी होती है? उच्च होती है, तथा ये प्लास्टिक की शीट या अन्य शीट पर आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। अब लेज़र प्रिंटर की विशेषताएं क्या होती हैं? लेज़र प्रिंटर जो होते हैं वो उच्च रिजोल्यूशन वाले होते हैं। इसकी प्रिंटिंग जो होती है वो उच्च गति की होती है ना, बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त तो होते हैं, कम कीमत प्रति पृष्ठ होती है। इसके बाद इसकी कमियां क्या होती हैं? इसकी कमियां हैं, लेज़र प्रिंटर अधिक महंगे होते हैं, टोनर सेकंड है, टोनर तथा ड्रम को बदलना महंगा होता है, इंकजेट प्रिंटर से बड़ा व भारी होते हैं लेज़र प्रिंटर। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा थंबनेल ट्रांसफर प्रिंटर। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कागज का वैक्स आधारित रिबिन से अक्षर प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंट के द्वारा किया गया प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता, अर्थात इसमें जो प्रिंट करते हैं हम, वो क्या होता है, कुछ समय बाद में ये मिट जाता है। जैसे कि ATM मशीन से जो स्लिप निकलती है, वो आप उसकी स्याही देखी होगी आपने, कुछ टाइम बाद क्या होती है, वो मिट जाती है। तो ऐसे ही इस पेपर का यूज़ ATM मशीन में भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंकजेट प्रिंटर। यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर व ग्राफिक्स को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर व निर्माण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डॉट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से कलर का यूज़ करते हैं? नीलम, लाल, पीला, काला, इसलिए इसको CMYK प्रिंटर भी कहा जाता है। ये चार रंगों से मिलकर बना होता है, इस किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों में से किसी भी रंग को उत्पन्न क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटर या कलर प्रिंटर में किया जाता है। इस प्रिंटर की एक मुख्य समस्या यह है कि इसमें प्रिंट हेड में इंक क्लोनिंग हो जाती है यदि इसमें कुछ समय तक प्रिंटिंग ना की जाए। इसके नोजल के मुहाने पर स्याही क्या होती है, जम जाती है, जिससे जो इसके छेद होते हैं है ना, जो इसके होल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और प्रिंटिंग करने में क्या आती है, समस्या आती है। तो इस समस्या को आज हल कर लिया गया है। इसके अलावा हम प्रिंटर की प्रिंटिंग पर यदि नमी आ जाए तो इंक क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्रायः 300 डॉट पर इंच होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे
लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।